कश्मीर में जारी DDC इंतखाबात का चौथा मरहला तकरीबन इख्तिताम पजीर हो रहा है और हमने आज देखा गांदरबल में जो लार सेगमेंट है, लार ए और बी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ख़राब मौसम के बावजूद, हालांकि बारिश भी कई जगह पे हो रही है, लेकिन ख़राब मौसम के बावजूद लोगों का एक अच्छा हजूम हमने पोलिंग स्टेशन पे देखा। अभी तक जो हमारे पास जो फिगर सामने आया है वो ये है कि करीब 50-55% वोटिंग हो चुकी है और लोग यही बता रहे हैं हर जगह पर कि उन्होंने उन उम्मीदवारों को वोट दिया है जिनसे उनको तवक्कात है कि वो उनका काम कर सकते हैं, उनकी अच्छी नुमाइंदगी कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गांदरबल के एक नौजवान सियासतदान जिन्होंने हाल ही में सियासत में कदम रखा है। उन्होंने दो जगह से DDC इंतखाबात के लिए नाम फार्म जो भरा था नामजदगी का वो भरा, उसके बाद चुनाव लड़ा। आज लार में इस वक्त हम हैं, लार ए में, जबकि इससे पहले गांदरबल बी की जो चुनावी निशस्त है वहाँ पे भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई की है और आज लार ए में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शौकत हुसैन खान, जिसे यहाँ पे जॉन्टी के नाम से काफ़ी मकबूलियत हासिल है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इंतखाबात लड़ने का उन्होंने फैसला जो मन बनाया वो क्यों बनाया। शौकत साहब, आप ये बताएं हमें सबसे पहले कि आप चूंकि एक बिजनेसमैन हैं, अभी भी आपका बिजनेस है चारों तरफ फैला हुआ है, ट्रांसपोर्टर हैं आप, उसके बाद इंतखाबात में आना, सियासत में कदम रखना, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका था कि जो इसमें मेरा आना है, सियासत में आना है, क्योंकि मेरे कुछ आंखों से गुजरा हुआ है। पहले जो हम पहले मैं भी वोटर था, मैं भी कोई अभी कोई ना मिनिस्टर रहा हूँ ना कोई MLA रहा हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ। मेरी आंखों से कुछ ऐसा गुजरा है कि जब जहाँ तक मैं खुद भी वोटर था, हम वोट दे रहे थे आज तक पिछले 30 सालों से, मैं अपनी बात करूँगा, पहले 70 सालों की जहाँ पर सियासत हो रही थी, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा 20-25 साल से मैं दे के आया हूँ, वोट दे दिया मैंने, लेकिन आज तक वो सारे जो वोट हमने दे दिए वो सारे ज़ाया हो चुके हैं। अब मैं जो मेरे आंखों से जो गुजरा है, जो देखा है मैंने, इसी वजह से मेरा शौक है कि मुझे ये शौक नहीं है कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनने का है, ना मुझे DDC काउंसिल बनने का शौक है। मुझे बस मेरा शौक यही है, मेरी एम यही है कि मैं लोगों की खदमत करूँ। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि जो हमारा गांदरबल में हाल में गांदरबल की हमारी वोटिंग जो हुई थी, ये 4 तारीख को गांदरबल बी से, पहले बदकस्मती है कि जो मेरा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो उस पर रिजर्व रखा गया था, उस पर वो लेडीज़ के लिए सीट थी, तो मेरा उधर चांस नहीं था। फिर मैंने क्या कि मैंने फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट किया है, गांदरबल बी में और आज लार ए में। फिर भी शुक्र है अल्लाह ताला का कि जो गांदरबल बी है, इंशाल्लाह ताला मेरी उम्मीद, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मैं वहाँ पे विनर हूँ इंशाल्लाह ताला। वो PDP एक तो अलायंस मेरे सामने, हम 14 कैंडिडेट थे वहाँ गांदरबल में, 14 में से 12 तो वो तो सबको पता है कि वो आउट हो गए हैं। अब 2 की फाइट है, वो तो अलायंस गुफ्कार अलायंस, एक साइड गुफ्कार है, दूसरी साइड मैं अकेला हूँ। आपको पता ही है कि जो हमारी नई नई पार्टी है, अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ये तो पिछले पुरानी 6 महीनों से है, वो तो जो गुफ्कार अलायंस है वो 2 पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, वो तो पिछले 70 सालों से वो हुकूमत करते आए, तो आप उनके साथ टक्कर है, तो इंशाल्लाह ताला वो सीट में निकाल के रखूँगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि ये पूरे सब लोगों को पता है कि उन्होंने, मैं खासकर मैं गांदरबल लोगों से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है इतने कम टाइम में। तो फिर दूसरा ये है लार ए, यहाँ पे भी हमने कोशिश किया, बहुत मेहनत की है हमने, यहाँ के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। चलो ठीक है, कौन आए कौन नहीं आए, ये तो आखिरकार तो एक ही बंदे को आना है सामने, जो भी कोई फेस, लेकिन लोगों को ये भी सोचना था कि उस बंदे को सामने ले आए जो आपकी नुमाइंदगी अच्छी तरह से करे, जो जैसे पहले हो रही थी वैसा ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वैसा, कि नया कोई फेस होना चाहिए जो लोगों के साथ या किसी अफसर के साथ वो फेस कर पाए। तो अब हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, फिर भी हम चाहे हारेंगे जीतेंगे वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, फिर भी हम लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ते रहेंगे। शौकत साहब, जिस तरह के हालात यहाँ पे कश्मीर में बने हुए थे गुज़श्ता साल अगस्त से, अभी भी हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि कोविड का जो मरहला काफ़ी लंबा मरहला चला, उसके बाद अचानक से जो है मरकज़ ने ये फैसला लिया कि DDC इंतखाबात यहाँ पे कराएं, जो कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो
अभी इंतखाबात हो रहे हैं, DDC जो बनेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या जिसे हम उर्दू में ज़िला तरक्याती काउंसिल बनेगा, और इसमें आप अपने नुमाइंदे चुन के आएंगे सामने, आपको लग रहा है कि ये बेहतर कदम है डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए? देखिए, जो DDC काउंसिल ये जो इलेक्शन ये सामने नोटिफिकेशन इसके आई है, ये तो अपने इलाकों अपने हलकों की डेवलपमेंट के लिए। इसमें देखो हालात तो वो दूसरी बात है, हालात इसमें कोई 370 या 35A का कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें इसका रोल ही नहीं है। कोई DDC बनेगा, चाहे मैं बनूँ DDC या कोई और बने जो मेरा अपोजिट है वो DDC बने, वो 370 को वापस नहीं ला सकता है, ना वो 35A को वापस, ना तो वो स्टेटहुड को वापस ला सकता है। हाँ, ये DDC काउंसिल जो बनेगा, या अपने हल्के जितने चाहे 10 हल्के इसके अंडर होंगे या 5 हल्के होंगे, ये डेवलपमेंट के लिए, ये लोगों के लिए, भलाई के लिए है। मेरे ख्याल से मेरा सोच है ये बहुत अच्छा है। चाहे कोई भी जिसके अल्लाह ताला ने लिखा होगा सामने लाने, जो अल्लाह ताला का इज्जत जिसको देगा, वो तो वो उसके अपने लोगों के लिए अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शौकत हुसैन खान, जो DDC उम्मीदवार है, DDC इंतखाबात लड़ रहे हैं दो जगह से, गांदरबल बी और लार ए से। पर उम्मीद है कि लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है ये भी है कि जो नतायज जब जिस दिन आएंगे 22 दिसंबर को, ये इनको ये पूरी उम्मीद है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इनकी जीत ज़रूर होगी। ये तो हम नहीं बता सकते कि इंतखाबात का जो रिजल्ट है, जो नतायज है, वो किस तरह के आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि DDC इंतखाबात में लोग पुरजोश हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।